टू वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इनफ्लोरेसेंस सो फ्लावर की स्ट्रक्चर की स्टडी कर ली थी नाउ व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस इन इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स और अ ग्रुप ऑफ फ्लावर ऑन अ स्टॉक कॉल्ड पैडंक आप स्ट्रक्चर की जब स्टडी की थी फ्लावर की तब देखा था उसमें नीचे थैलिमस की नीचे जो स्टॉक प्रेजेंट होता है ये थैलिमस जिस पे सारे वर्ल्ड अटैच होंगे इसके नीचे जो स्टॉक है ये क्या था पेडिसल सिंगल फ्लावर का जो स्टॉक होता है वो तो क्या होता है पेडिसल नाउ अगर बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ एक, में एक flower, 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 ग्रुप में अरेंज्ड हैं एक फ्लावर सेकंड फ्लावर थर्ड फ्लावर फोर्थ फ्लावर ये सारे फ्लावर्स ग्रुप में अरेंज्ड हैं तो ये तो है इनका पैडिसल एक सिंगल फ्लावर का स्टॉक और इन सब का जो कॉमन स्टॉक या कॉमन एक्सेस जो है ये ये क्या होगा फिर पैडंक। सो so, एक सिंगल फ्लावर का स्टॉक तो होगा पेडिसल और एक ग्रुप ऑफ फ्लावर का जो स्टॉक होगा कॉमन स्टॉक जो होगा वो होगा पेडंकल अब इस पेडंकल पर ये जो फ्लावर्स हैं कैसे अरेंज हैं उस अरेंजमेंट को कहते हैं उसका इंफ्लोरसेंस अब इन्फ्लोरसेंस जो है वो मेनली टू टाइप्स का होता है फर्स्ट रेसिमोस, सेकंड साइमोस टू मेन टाइप तो हैं रेसिमोस एंड साइमोस इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप्स और प्रेजेंट होते हैं मेन तो, तो टू ही है रेसिमोस एंड साइमोस अब क्या डिफरेंस है रेसिमोस में एंड साइमोस में कोई प्लांट है मान लो उसका जो एक्सेस है वो ग्रो करे ग्रो करता जा रहा है और साथ में इससे फ्लावर्स निकलते जा रहे हैं फिर ग्रो करता जा रहा है और फ्लावर्स निकलते जा रहे हैं ग्रो करता जा रहा है फ्लावर्स निकलते जा रहे हैं तो ऐसे इसकी जो स्टॉक की इसकी ग्रोथ क्या होगी अनलिमिटेड होगी <clears throat> जो मैन एक्सेस है वो अनलिमिटेड ग्रो करेगा और फिर साथ के साथ जो फ्लावर्स हैं वो निकलते जाएंगे तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का वो कौन सा होता है साइमो और रेसिमोस वाला कौन सा है रेसिमोस अब नाओ क्या हो अगर एक्सेस पूरा पहले ग्रो कर जाए इसके बाद इस एक, पर एक इसके एपिक्स वाले पार्ट पर एक फ्लावर उसके बाद अदर फ्लावर्स है उसके बाद नीचे के फ्लावर्स आ रहे हैं तब इस तरह का जो अरेंजमेंट अरेंजमेंट होगा जिसमें लिमिटेड ग्रोथ होगी अब ये ग्रो नहीं करेगा और इस पर एपिकल फ्लावर आ गया अब ये इससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता इसका स्टॉक जो है इसकी लेंथ इतनी ही रहेगी अब तो इसकी जो ग्रोथ है वो डेफिनेट होती है लिमिटेड होती है और ये ग्रो करता ही जाएगा इसकी जितनी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ये ग्रो करेगा और साथ के साथ फ्लावर्स भी आते रहेंगे तो क्या डिफरेंस हो गया इसका जो मेन एक्सेस है उसकी ग्रोथ होती है अनलिमिटेड इसका जो मेन एक्सेस है उसकी ग्रोथ होती है लिमिटेड इस पर कभी भी टर्मिनल फ्लावर नहीं आता इसके एंड पे कोई भी फ्लावर नहीं होगा और इस पर टर्मिनल और एपिकल फ्लावर प्रेजेंट होता है स्टॉक के एंड पे क्या प्रेजेंट होगा एक टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट होगा अब इनका जो सक्सेशन होता है वो कैसा होता है एक्रोपिटल और इनका जो सक्सेशन होता है वो होगा बेसिपिटल क्या मतलब है एक्रोपिटल एंड वेसिपिटल सक्सेशन का एक्रोपिटल सक्सेशन में जो लोअर फ्लावर्स होते हैं वो लार्जर होते हैं साइज़ में मैच्योर होते हैं और जो ऊपर की साइड पे जो फ्लावर्स प्रेजेंट होंगी, वो साइज़ में स्मॉलर होंगी एंड इमेच्योर होंगी तो नीचे के फ्लावर जब वो साइज़ में बड़े हैं लार्जर हैं ऊपर की फ्लावर्स से तब जो सक्सेशन होगा वो कौन सा होगा एक्रोपिटल और अगर ऊपर का जो फ्लावर है वो क्या है साइज़ में बड़े हैं कंपेरिटिवली किसी नीचे के जो फ्लावर हैं उनसे तब जो सक्सेशन होगा वो कौन सा होगा बेसक क्या रीज़न है कि पहले कौन से बन गए यहाँ पर ये वाले बने थे पहले तो पहले इनका साइज़ बढ़ेगा पहले होंगी. ये मेच्योर होंगे उसके बाद ये नए बनते जा रहे हैं तो उनका साइज़ क्या होगा स्मॉल होगा और वो मेच्योर भी नहीं होंगे एम होंगे अब इनमें सबसे पहले कौन सा बना था निवाला बना था तो यही सबसे बड़ा होगा लार्जेस्ट होगा और सबसे ज़्यादा मच्योर होगा इसके बाद उसके नीचे वाला इसके बाद उसके नीचे वाला तो अगर नीचे मच्योर हैं ऊपर में मच्योर हैं तब एकटल ऊपर मच्योर हैं नीचे मच्योर हैं तब बेसिपिटल सक्सेशन तो ये डिफरेंस होता है एंड इनमें फ्लावर्स की जो ओपनिंग होती है वो सेंट्रपिटल रेसिमोस में कैसी होगी ओपनिंग फ्लावर की सेंट्री यानी पहले बाहर के या फिर नीचे के फ्लावर्स पहले ओपन होंगे अगर ऐसे है तो तो नीचे की अगर मान लो अरेंजमेंट कैसा है तो उसमें बाहर के साइड भी फ्लावर्स हैं तो बाहर के पहले होंगे या फिर अगर ऊपर नीचे अरेंजमेंट है तो नीचे के जो फ्लावर हैं वो पहले ओपन होंगे तो इसमें यही पहले ग्रो किए तो यही पहले ओपन होंगे अगर नीचे की या बाहर की लोअर और आउटर फ्लावर्स जो हैं वो पहले ओपन हो रहे हैं तब उसको कहेंगे फिर सेंट्रीपिटल अगर ऊपर की या अंदर की फ्लावर्स पहले ओपन हो रहे हैं तब इसको क्या कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल ऐसे देखो तो अपन ये सेंटर क्यों गए और ये वाले बाहर क्यों गए तो बाहर की या फिर जो लोअर हैं वो ऐसे अपन ऊपर से देखेंगे तो ये वाला सेंटर का हो गया और ये बाहर के हो गया इसमें तो सेंट्रल का पहले ओपन होगा तो सेंट्री फ्यूकर इसमें बाहर के पहले ओपन होंगे तो कौन सा सेंट्री पेट ओपनिंग होगी फ्लावर्स की तो ये मेन डिफरेंस होता है कि इसमें में एंड साई में अब ये जो है ये ब्रांच और अनब्रांच दोनों तरह के हो सकते हैं और जो साइमोस हैं वो मोस्टली कैसे होंगे ब्रांचड ही होंगे आप रेसिमोज और साइमोस जो टाइप्स हैं इनके अंदर पे भी बहुत से टाइप्स आते हैं जिनकी स्टडी करेंगे तो फर्स्ट रेसिमोस रेसिमोस में क्या होगी अनलिमिटेड ग्रोथ होगी एक्रोपिटल सक्सेशन होगा एंड सेंट्रिपिटल ओपनिंग होगी फ्लावर्स की टर्मिनल फ्लावर एबसेंट होगा अब इसके अंदर फिर कितने टाइप आएंगे रेसिमोस के अंदर सेवन टाइप्स आएंगे टोटल तो 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 कौन कौन सी रेसीम स्पाइक कैटिकिन स्पैडिक्स, कॉरम अम्बिल एंड कैपिटुलम ये सेवन टाइप्स आएंगे फर्स्ट टाइप है, so, है रेसिमोस का रेसिम। तो जो बेसिक रेसिमोस बताया हो, वही क्या है रेसिम है क्या होगा इसके अंदर जो स्टॉक है उसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होगी नीचे होंगी लार्जर फ्लावर ऊपर जाते जाते साइज छोटा होता जाएगा क्या प्रेजेंट इसमें मेन स्टॉक प्रेजेंट है पैडंकल एंड फ्लावर के स्टॉक्स प्रेजेंट है पेडिसल पैडिसल एंड पैडंकल दोनों ही क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस होगा अरेंजमेंट जो होगी वो कैसी होगी रसीम रेसिमोस का टाइप रेसिम जो बेसिक टाइप है अब सेकंड होगा स्पाइक अब स्पाइक में क्या डिफरेंस होगा इसमें पैडेंकल तो प्रेजेंट होगा अब पेडिसल एबसेंट होगी हो। ये मेन स्टॉक है ये पेडिसल्स का स्टॉक अब इसके अंदर सॉरी पेडेंकल्स का स्टॉक पेडिसल एबसेंट है यानी फ्लावर की खुद के स्टॉक्स नहीं है फ्लावर्स ऐसे अरेंज्ड है तो आप क्या कहेंगे ऐसे ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर क्या स्टॉक या पेडिसल नहीं है उनको कहते हैं सेसाइल फ्लावर्स जिसके फ्लावर्स कैसे होंगे सेसाइल होंगे मेन डिफरेंस क्या है रसीम एंड स्पाइक में रसीम में पेडिसल प्रेजेंट होता है और स्पाइक में पेडिसल एब्सेंट होता है इसके साथ दोनों में ही सारे डे फ्लावर्स होते हैं उनमें एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उनका जो स्टॉक है उसकी अटैचमेंट पॉइंट पर यहाँ पर इसको क्या कहते हैं फिर ब्रैग पहले भी बताया है तो लीफ फाइव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी इसका जो स्टॉक है पेडिसल उसकी अटैचमेंट के पॉइंट पर इसमें पेडिसल है ही नहीं तो इसमें यहाँ पर ही प्रेजेंट हो जाएंगी तो ब्रैग्ड भी प्रेजेंट होते हैं दोनों में ही रेसी में भी और स्पाइक में भी नाउ थर्ड टाइप कैटकिन अब कैटकिन कैसा है फिर रसीम जैसा है यानी इसके फ्लावर्स कैसे हैं ससाइल हैं पेडिस एबसेंट है अब डिफरेंस क्या होता है जो स्पाइक है इसमें यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स भी हो सकते हैं एंड बायसेक्शुअल फ्लावर्स भी हो सकते हैं बट कैटकिन का क्या है इसके अंदर कैसे होंगी यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स ही होंगी या तो एक ब्रांच पे सिर्फ मेल फ्लावर्स ही होंगे या फिर एक एक्सेस पे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स ही प्रेजेंट होंगे और इसका जो एक्सेस होगा कैटकिन का ये कैसा होगा पैंडुलम लाइक इसका जो मेन एक्सेस है वो होगा पैंडुलम लाइक लटका हुआ होगा ठीक है स्ट्रेट नहीं होगा कर्व्ड होगा कैटकिन का मेन एक्सेस तो रेसिम रेसिम में क्या है पैडंकल प्रेजेंट है पेडिसल भी प्रेजेंट है स्पाइक में पैडंकल प्रेजेंट है पेडिसल प्रेजेंट नहीं है कैटकिन में भी यही है पैडंकल प्रेजेंट है पेडिसल प्रेजेंट नहीं है प्लस इसके फ्लावर्स होंगे यूनिसेक्शुअल एंड इसका एक्सेस होगा पैंडुलस फोर्थ स्पैडिक्स अब स्पैडिक्स भी क्या है स्पाइक की तरह ही यानी इसके अंदर पेडिसल एबसेंट पेडिकल पेडिंकल तो प्रेजेंट है पेडिसल एब्सेंट है अब एक और क्या फीचर है इसका जो मेन एक्सेस होता है इसका वो कैसा होता है फ्लैशी थिक होता है मोटा होता है फ्लैशी होता है मेन एक्सेस तो मेन एक्सेस हो गया इसका फ्लैशी एंड थिक साथ में इसका जो ब्रैक्ट होता है ब्रैक्ट भी कैसा होता है बहुत बड़ा होता है लार्जर होता है साइज में और इसको घेरे हुए रहता है एक साइज से तो ब्रैड सब में तो कैसे थे छोटे छोटे थे साइज इस में इसमें कैसे होगा बड़ा होगा इसको क्या कहेंगे आप स्पैथ ठीक है तो स्पैडिक्स में क्या क्या हो गया एक तो स्पाइक की तरह है यानी पहले से है सेकेंड इसका जो मेन एक्सेस है वो फ्लैशी है थिक है और साथ में जो ब्रैक्ट है वो भी क्या है लार्ज है उसको क्या कह रहे हैं स्पेक्ट तो या तो सिंगल हो सकता है या टू और थ्री प्रेजेंट हो सकते हैं स्पेक्ट फोर नॉ फिफ्थ फिफ्थ होगा कॉरिम्ब एंड सिक्स होगा अम्बेल रसीम में पेडिसल प्रेजेंट है स्पाइक में पेडिसल एबसेंट है कैटकिन और स्पैडिक्स कैसे हैं स्पाइक जैसे हैं यानी इसके अंदर भी दोनों के अंदर पेडिसल एबसेंट है अब कॉरिम और अम्बेल कैसे होंगे रसीम जैसे होंगे यानी इनमें पेडिसल भी प्रेजेंट होगा पेडेंकल भी प्रेजेंट होगा अब कॉरम और अम्बेल में डिफरेंस क्या होता है दोनों में कैसे होते हैं ये कॉरिम जो है और अम्बेल दोनों का एक तो बेसिक फीचर क्या है दोनों का जो मेन एक्सेस होता है वो शॉर्ट टंड होता है छोटा होता है उसमें तो क्या था पहले तो लॉन्ग था तो ये दूर दूर दिख रहे थे फ्लावर्स एक यहाँ एक यहाँ दूर दूर थे बीच का डिस्टेंस ज़्यादा था अब इसका स्टॉक क्या होता है कंप्रेस्ड होता है इसकी वजह से जो फ्लावर्स हैं वो पास पास दिखेंगे अब कॉरम्ब में जो नीचे के जो पेडिसल होते हैं नीचे के जो फ्लावर्स हैं उनके जो पेडिसल्स हैं वो क्या होते हैं लॉन्गर होते हैं कंपेरेटिवली ऊपर के फ्लावर के इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है फिर ऐसा दिखेगा क्या हो गया इसके अंदर नीचे के जो स्टॉक हैं वो तो क्या है लार्जर है ऊपर के स्मॉलर हैं तो सारे फ्लावर्स क्या दिखेंगे एक ही लेवल पर दिखेंगे निकल तो अलग अलग लेवल से रहे दिखेंगे कहाँ पर एक ही लेवल पे दिखेंगे और ये वाले कैसे होंगे लार्जर होंगे और सेंटर वाले स्मॉलर होंगे ये स्ट्रक्चर होगा किसका कॉरिम्प का अब अंबल में क्या होगा ऐसा लगेगा कि जो सारे फ्लावर्स हैं वो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं लेवल पे एक नहीं होंगे कि स्टॉक की लेंथ सेम है इसलिए ये वाले नीचे दिखेंगे बाकी कैसे दिखेंगे ये ऐसा लगेगा कि एक ही पॉइंट से निकल रहे भले थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा इतना कम डिफरेंस होगा कि लगेगा एक ही पॉइंट से निकल रहे तो ये वाला किसका स्ट्रक्चर है अम्बल का दोनों में क्या प्रेजेंट है पेडिसल प्रेजेंट है नाओ लास्ट सेवेंथ कैपिटुल और हेड भी कहते हैं इसको अब इसके अंदर क्या होगा टू टाइप्स के फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे एग्जाम्पल ले लें अपन सन का एक तो इनका जो एक्सेस होता है वो कैसा होता है फ्लैट एंड होता है इसमें तो कैसा होता है लॉन्ग था इसका कैसा होगा फ्लैट एंड होगा तो या तो ऐसा हो सकता है स्ट्रीट और ये इसका पैडंकल और ये मेन एक्सेस क्या है इसका फ्लैट है सिंपल स्ट्रीट फ्लैट हो सकता है या फिर कॉर्नकै या कॉर्न भी हो सकता है ठीक है अब इस पर कितने टाइप के फ्लावर्स आएंगे टू टाइप्स के फ्लावर्स आएंगे कैसे होंगी ये भी रसीम की तरह होंगी यानी इनके अंदर भी पेडिसल प्रेजेंट होंगे फ्लावर्स होंगे टू टाइप की अगर अपन देखें सनफ्लावर में तो यहाँ पे येलो लीव्स दिखती हैं आउटर पेरिफेरी पे कैसे लीव्स दिखेंगे इसकी येलो और सेंटर में ब्राउन फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे तो ये जो आउटर फ्लावर्स होते हैं ये होते हैं इनफर्टाइल इनके अंदर गायनोशियम और एंड्रोशियम दोनों ही एब्सेंट होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट ले ही नहीं सकते कैसे होंगे ये इनफर्टाइल होंगे जो अंदर के जो फ्लावर्स होते हैं इनमें फिर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं एंड्रोशियम दैन गाइनरेशियम कैसे होते हैं ये बाइसेक्शुअल होते हैं तो ये होंगे फर्टाइल फ्लावर्स तो ये रिप्रोडक्शन में पार्ट लेंगे अब ये फ्लावर्स छोटे होते हैं साइज में तो इनको क्या कहते हैं फिर फ्लोरेट्स अपन क्या कह सकते हैं फ्लावर्स की जगह फ्लोरिट्स यानी फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर्स अब इनमें से जो इनफर्टाइल होते हैं इनको क्या कहेंगे रे फ्लोरिट और जो फर्टाइल होंगे इनको क्या कहेंगे डिस्क फ्लोरिट <coughs> अब इसमें भी चीज़ वही है जो आउटर होंगी ये वाले कैसे होंगी मेच्योर होंगी और लार्जर होंगी पहले ओपन होंगी और जो सेंटर की तरफ होंगी वो इमेच्योर होंगी स्मॉलर होंगे और बाद में ओपन होंगे यानी एकटर सक्सेशन है और सेंट्रोपिटल फ्लावर ओपनिंगे सेमस जो ड्रेसिमोस का मेन फीचर है वही है इनके अंदर भी बस टाइप ऑफ फ्लावर कितने हो गए टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हो गए और मेन है इसका जो मेन एक्सेस है वो कैसा है फ्लैट तो ये थे टाइप्स सेवन टाइप्स ऑफ ड्रेसिमोज इन फ्लोरेसेंस साइमोस टाइप्स ऑफ साइमोस इन फ्लोरेसेंस